खासकर पिछले 5 साल जो सरकार रही है उसमें लगातार मिली भगत से ये ठेके जो है रिन्यू होते रहे। पारदर्शिता वाली सरकार हर क्षेत्र में और व्यवस्था पर, ये भी व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 2021 से लेकर 23 तक और वर्तमान सरकार की क्या नीति है? आज के प्रश्न, पहला प्रश्न 953 श्री केवल सिंह पठानिया। क्वेश्चन नंबर 953। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 953 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। माननीय श्री केवल सिंह पठानिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो खासकर जो शराब के ठेकों की नीलामी के लिए मैंने प्रश्न किया था, मैंने जानना चाहा था कि 2021 से लेकर 23 तक और वर्तमान सरकार की क्या नीति है। और जहां तक जो जवाब विभाग का आया है उससे साफ जाहिर होता है कि 2021-22 11.80 करोड़ रिन्यूल, 21-22 944 करोड़ रिन्यूल, 2022-23 1296.53 रिन्यूल। ये तीनों पिछली सरकार में 10 सालों से जहां जो सरकारें रही हैं, खासकर पिछले 5 साल जो सरकार रही है उसमें लगातार मिली भगत से ये ठेके जो है रिन्यू होते रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सदन के नेता का, जैसे ही हिमाचल प्रदेश की मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐतिहासिक निर्णय जो है हिमाचल 70 लाख हिमाचलियों के लिए लिया। और पहली बार जब 8 महीने के अंदर जो है ये ठेकों की नीलामी हुई और जो मुख्यमंत्री की कमिटमेंट है ट्रांसपेरेंस पारदर्शिता वाली सरकार हर क्षेत्र में और व्यवस्था पर, ये भी व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लगभग 615 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को आया है। चाहे वो, हालांकि मैं डिटेल मांगी थी फीस कितनी है, L1 की फीस की बाकी डिटेल नहीं आई है, ये पैसा क्या रिटेल ठेकों का है, क्या ये L1 का है, लेकिन जो विभाग ने सूचना दी है उस सूचना से मैं जानना चाहूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि ये L1, L2 उन जो लाइसेंस फीस पहले 21-22-23 कितनी ले, क्योंकि फीस का मामला नहीं आया है, ये तो रेवेन्यू आया जो ऑक्शन किए हैं, तो जो फीस वो भी व्यवस्था परिवर्तन है, उससे भी हिमाचल प्रदेश के विभाग को हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो फायदा हुआ है ये मैं जानना चाहता हूँ।